प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। उदयपुर जिले के झाड़ौल उपखंड के कंथारिया में बने बांध की नहरों की मरम्मत के लिए विभाग ने 1.16 करोड़ रुपए का बजट जारी किया और 89 लाख रुपए में टेंडर भी जारी कर दिए। ठेकेदार ने काम शुरू कर खत्म भी कर दिया और ये नहरें एक बारिश तक नहीं झेल पाई। जानकारी के अनुसार झाड़ौल उपखंड के कंथारिया में 21 फीट ऊंचाई पाल वाला बांध बना हुआ है। इसकी क्षमता 88 MCFT है। सालों पहले बनी नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप पर पिछली सरकार ने बांध से सिंचाई के लिए बनी 8 किलोमीटर की नहर रिपेयरिंग के लिए 1.16 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। विभाग की टेंडर प्रक्रिया के बाद ठेकेदार लालाराम लबाना ने 89 लाख रुपए में टेंडर ले लिया और काम शुरू कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार ठेकेदार ने घटिया निर्माण कार्य किया एवं पुरानी बनी नहर को तोड़ा तक नहीं और बिना नींव के उसी नहर को रिपेयर करा दिया और निर्माण सामग्री भी बहुत घटिया उपयोग में ली। इस दौरान झाड़ौल उप प्रधान मोहब्बत सिंह राणावत ने मौके पर पहुंचकर उच्चाधिकारियों को अवगत भी कराया पर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नहरें बने हुए एक माह भी नहीं बीता और पहली ही बारिश में आए पानी से बह गई। कंथारिया बांध 2 से 3 महीने पहले 1.16 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कराए थे। आज सुबह काशकार द्वारा मुझे सूचना की गई, मैं नहर पे आया और हालत देखी तो पूरी नहर गिरी पड़ी मिली मेरे को और ऐसी की ऐसी हालत तालाब की भी है जिसमें मैं देख रहा हूँ कभी पत्थरों में सीमेंट भी नहीं मिला गया, सूखी चुनाई की गई है इसकी। तो इसकी जांच होनी चाहिए। जिस अधिकारियों ने और ठेकेदारों ने मिलकर जो कार्य किया है, घटिया कार्य किया है, इसकी जांच होकर अगर तुरंत ये काम नहीं हुआ तो काश्तकारों के ये नहर का पानी भरकर नीचे खेत है बहुत सारे, तो खेतों में भी इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए इसकी जांच करके तुरंत इस कार्य को कराया जाए। मैं जल उपभोक्ता संगम कंथारिया बांध का अध्यक्ष भी हूँ और वर्तमान में उप प्रधान होने के नाते और जल उपभोक्ता संगम का अध्यक्ष होने के नाते काश्तकारों ने मेरे को सूचना की, मैं तुरंत यहाँ आया और देखा तो हालत वाकई में बहुत बुरी है। जो इसको देखकर ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ सूखी सुनाई की इन्होंने, नहीं तो कोई सीमेंट मिलाया है। ऐसा घटिया कार्य मेरे जीवन में पहली बार देखा है। मैंने जो काम चलता था उस समय भी मैंने कई बार इनको अवगत कराया फोन करके कि ऐसा घटिया कार्य आप मत करो, फिर भी ऐसा घटिया कार्य किया है तो नतीजा सामने है। अगर तुरंत प्रभाव से अगर कार्य नहीं किया गया तो काफी काश्तकारों को नुकसान हो सकता है। नीचे बहुत सारे खेत हैं जो नहर में पानी मंगरेगा और नहर का जो पानी आएगा उसमें भरा कर वो खेत में जाएगा और काश्तकारों की फसल बोई होती है, उससे नुकसान होगा।